नमस्कार आदाब, मैं हूं अदिति। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। महंगाई के खिलाफ मजदूरों, महिलाओं, छात्र, नौजवानों की साइकिल रैली। लखीमपुर हिंसा की जांच में रिटायर्ड जज नियुक्त करेगी सुप्रीम कोर्ट। छठ के पहले दिन जहरीले झाग के बीच यमुना में डुबके लगाते दिखे लोग। रोहतक बीजेपी सांसद ने कहा विरोधियों की निकाल देंगे आंख। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों की संख्या में आए मजदूरों, महिलाओं, छात्र, नौजवानों व कलाकारों ने साइकिल रैली व जुलूस में हिस्सा लिया। रामलीला मैदान के सामने जाकिर हुसैन कॉलेज से शुरू हुई रैली तुर्कमान गेट पर जनसभा के रूप में समाप्त हुई। सभी ने 25 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया है। देखिए न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ अभियान में दिल्ली की जनता साथ दो, साथ दो, साथ दो। अभी भी कोविड महामारी के दौर में रोजगार नहीं है और अब राशन जो 10 किलो प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए वो उसकी मांग कर रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि जो आज गरीब लोगों के पास सिलेंडर के जो दाम, जो सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी भी बंद कर दी है। और अभी पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 200 रुपए का सिलेंडर हो गया, अब चूल्हा जलाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। जो आज रोजगार नहीं है, काम नहीं है, वो तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई का रेट कम करे ना भाई, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? पैसे वाले खाएंगे, गरीब आदमी रोड पर सोएंगे, बच्चों का कहाँ से पैसा उड़ा कराएंगे, कहाँ से पढ़ाई करेंगे? स्कूल भी बंद हो गया, स्कूल का पैसा भी बंद हो गया, बच्चा भी बेकार हो रहा है। जो सरकार जो है अमीरों पर जो सीधा प्रत्यक्ष कर लगाने की जो जरूरत है, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा आय है, अमीर हैं, उनके ऊपर कर ना लगा करके, जिसको हम अर्थशास्त्री अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, हर वस्तु पर कर लगाना, और उसमें भी खासकर ऐसी चीजों पर जो कच्चे माल की तरह प्रयोग होती है, तेल, डीजल जो है हर चीज में लगता है, ट्रांसपोर्ट में लगता है, ट्रैक्टर चलाने में लगता है, हर चीज में जो है आपको फ्यूल की जरूरत होती है, तो उसके ऊपर इतना भारी टैक्स लगाना, उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है जो पूरी अर्थव्यवस्था पर, उसके कारण से महंगाई होती है। तो ये जो महंगाई आप देख रहे हैं, ये सीधी सीधी सरकार की बनाई हुई महंगाई है और इसके लिए सरकार सीधी तरह से जिम्मेदार है, ये समझने की जरूरत है। कलाकार हैं, लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, और जो आम शहरी के ऊपर जो बीतती है, वही सब कुछ हमारे ऊपर भी बीतती है। वैसे भी जननाट्य मंच हमेशा से मजदूर संगठनों के साथ, अन्य संगठनों के साथ, महिला संगठनों के साथ वगैरह हमेशा रहा है, और हर संघर्ष के अंदर हमने हिस्सा लिया है। इसलिए जाहिर है कि आज जब साइकिल रैली की बात थी, और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो खुद हम साइकिल चलाते हैं, मसलन मैं खुद, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं साइकिल पे ही चलता हूँ हर जगह, तो मुझे लगता है कि साइकिल को चलाना केवल प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव रूप में भी हमको देखना चाहिए। हमें शहर की सेहत के लिए भी, अभी जो है दिवाली के फौरन बाद हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन अभी बढ़ा हुआ है, तो इस सब के खिलाफ भी एक तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगता है कि साइकिल को लेकर के जो है चलना, ये शहरियों के लिए बहुत अच्छी बात है। जिसके पास चार गो वो भी रो रहा है, दो गो उसके वो भी रो रहा, जिसके पास आदमी नहीं है वो लेडीज कमा के कैसे घर चलाए? आलू 80 रुपए किलो हो गया, नया आलू उतना 80 रुपए हो गया, प्याज 40 रुपए है, जिसके पास नहीं है तो क्या करे? सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जनता का मुद्दा है, जन का मुद्दा है। महंगाई आज पूरे समाज के ऊपर इस तरह से हावी है कि हर रसोई इसके प्रभावित है, हर रसोई, चाहे वो पेट्रोल का की कीमत हो, चाहे डीजल की कीमत हो, इन सब का असर
हर सामान हर वस्तु पर पड़ रहा है, हर आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। तो शिक्षक चाहे शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आम जनता हो, वो भी समाज का ही हिस्सा है। और यही वजह है कि इस बड़े मुद्दे पर, इस ऐसे मुद्दे पर जो समाज का मुद्दा है, जन का मुद्दा है, तो जन के बीच उतरना आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और इसी कारण से तमाम जन संगठनों ने इस मुद्दे के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर आने का फैसला लिया। और आज हम ये कहते हैं कि बेसिक सर्वाइवल का सवाल है, अगर सरकार ने महंगाई पर रोक नहीं लगाई तो ये धीरे धीरे ये आंदोलन केवल संगठनों के द्वारा नहीं, एक आम जनता का आंदोलन का रूप धारण कर लेगा आने वाले दिनों में, अगर यही आलम रहा। और सरकार तो सरकार को केवल चुनाव, उससे संबंधित कार्य, इनके अलावा सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं है। दिल्ली की सरकार भी बिल्कुल जो है चुप बैठी हुई है महंगाई के मसले पर। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल इसके अंदर दखल नहीं कर सकते, महंगाई के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं, मगर वो भी नहीं लगा रहे हैं। पीछे हम लोगों ने देखा, पिछले सालों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब जब आलू प्याज के दाम बढ़ते थे तो दिल्ली सरकार आलू प्याज के अलग अलग ट्रकों के द्वारा बिक्री सेल किया करती थी, जिससे कि बाजार के अंदर जो अनियंत्रित हो रहा है, जो लाला बड़े पूंजीपति जो अपनी मनमानी करके 70-80 रुपये प्याज बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, उसके ऊपर दाम ऑटोमेटिकली एक हफ्ते के अंदर फिर नीचे आ जाते थे, मगर उस प्रकार का दखल नहीं है। और ये दखल कम नहीं है जब त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही सरकारें आम जनता का जो सरोकार है उनसे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। दिल्ली देश की राजधानी है और ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार मिनिमम वेजेस, डिक्लेयर्ड मिनिमम वेजेस तक एंश्योर नहीं कर पा रही, सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। आज हेल्पर को 15,908 रुपये मिलना चाहिए, मगर आम तौर पे सैलरी 7,000, 8,000, 9,000, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है 8 घंटे काम करने के ऊपर। तो ये सारे मसले हैं, इसको लेकर के CITU व 12 मजदूर संगठनों ने प्लस जो हमारे जनसंगठन है वो समर्थन कर रहे हैं। आने वाली 25 नवंबर को पूरे दिल्ली NCR के अंदर हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं दिल्ली की जनता उस हड़ताल के अंदर पूरा सहयोग करेगी, साथ देगी। लखीमपुर खेरी हिंसा मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को फटकार लगाई। CJI MV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने इसे लेकर यूपी पुलिस पर सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। पीठ ने मामले में गठित SIT पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि इस मामले की जाँच कर रही SIT दोनों FIR के बीच अंतर नहीं कर पा रही है। पीठ ने बिना किसी के नाम लिए कहा कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी FIR में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किए जाने तक जांच की निगरानी करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन या न्यायमूर्ति रंजीत सिंह के नाम पर सुझाव दिया और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। छठ पर्व की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन दिल्ली से इस पूजा से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं। यमुना में जहरीला जाग इकट्ठा हुआ है, इसी के बीच श्रद्धालु यहाँ स्नान करते दिखाई दिए। हालांकि कोरोना के चलते DDMA ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। न्यूज एजेंसी NI ने इससे जुड़े वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि यमुना नदी में तैरते जहरीले जाग के बीच स्नान कर रहे थे श्रद्धालु। ये जगह कालिंदी कुंज के पास की बताई जा रही है। रिपोर्टर्स की माने तो पड़ोसी राज्यों द्वारा पराली जलाने और दिवाली पर हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई है। यमुना में भी अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। अब बात BJP नेता के बिगड़े बोल की। रोहतक से BJP सांसद अरविंद शर्मा ने अपने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाने के मामले में एक प्रोग्राम में कांग्रेस के साथ किसान नेताओं को धमकाते हुए कहा कि जिसने भी मनीष का विरोध करने की कोशिश की उसकी आंखें निकालकर हाथ काट देंगे। NDTV खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगले 25 सालों तक गोल घेरे में घूमती रहेगी, जबकि दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाने के बाद BJP सत्ता पर काबिज रहेगी। वह रोहतक में एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। उनके विवादित शब्दों पर भीड़ ने ताली भी बजाई। अरविंद ने कहा कि मोदी और खट्टर की सरकार लोगों के हितों के लिए काम कर रही है,
हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अब अंत में कोरोना अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार 8 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन 266 मरीजों की मौत हुई है। इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 13,200 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में करीब 2,000 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,00,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक करीब 4,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 3,35,00,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1,40,000 के आसपास रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 108 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जिनमें से करीब 23,84,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। यह खबरें विस्तार से और ऐसी ही तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर जा सकते हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। धन्यवाद।